रखते हैं। एक जरा एक काम और करते हैं, खबर गर्म है हमारा एक सेगमेंट है, उसका भी समय हो गया है, पहले वो भी आपके सामने लेके आते हैं। लेके आइए खबर गर्म है। जी बिल्कुल, कैश मार्केट से, स्मॉल कैप स्पेस से, डॉलर इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाला और हमारी जो है डीलर से बातचीत हो रही है, तो यहाँ पता चल रहा है कि एक लॉन्ग ओनली फंड है वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। पिछले दो सेशन से ये लॉन्ग ओनली फंड जो है बाई कर रहे हैं स्टॉक को, ये डीलर्स का कहना है। और रफली 7 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है, जो हिसाब से लगभग 1% का स्टेक रहेगा। इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी पिकअप देखने मिली है, ऑलमोस्ट 3x 20-day एवरेज जो है वॉल्यूम्स आया है। लेकिन हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न जब चेक किया हमने, तो पता चला कि कंपनी अंडर ओन्ड है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल मनी के बारे में बात करें, DIs हो या FIs हो, उनका जो कंबाइंड स्टेक है 1% से कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मूव हो जाता है कंपनी के हिसाब से, क्योंकि एक लॉन्ग ओनली फंड आ रहा है लंबे अवधि के लिए, ये डीलर्स का कहना है। इंपॉर्टेंटली एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय का भी लगभग 1% स्टेक है कंपनी में, और हमने थोड़े नंबर्स के आंकड़े देखे Q3 नंबर्स के, तो यहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस हजारी प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है कंपनी ने दिया था अपने पीएस सेट में। और इनका एक रीरेटिंग ट्रिगर भी है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट चेंज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है एक प्रोजेक्ट लक्ष्य करके, उसके कारण भी जो है बाजार को लग रहा है कि एक रीरेटिंग देखने मिल सकती है। तो आज स्टॉक में जो है यहाँ पे मोमेंटम और एक रिन्यूड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी देखने मिल रही है स्टॉक में। ठीक है, तो डॉलर इंडस्ट्रीज इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 6% आज अभी तेज़ी है। इसका एक टेक्निकल चेकअप करवा लेते हैं।